Hello students, welcome to Success Station Pro. I am Vikrant Anand and this is the part 16 of the chapter Lines and Angles. And in today's class, we will be discussing about the question number 2 of exercise 6.1. Okay, so let's move towards the question number 2. So, is question mein kya given hai? In the given figure, lines XY and MN intersect at point O. Now, ye wala line ko dekhiye. Ye line aapka XY hai aur ye aapka MN line hai. ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट द पॉइंट ओ. ओके, आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में? दैट एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, और दो एंगल्स के बीच एक रेशियो भी गिवन है. ये देखिए, ये आपका एंगल ए है और ये आपका एंगल बी है. इन दोनों एंगल्स के बीच का एक रेशियो गिवन है और वो रेशियो कितना है? दैट इज 2:3 और 2/3. और हमसे पूछा जा रहा है एंगल सी का वैल्यू. फाइंड एंगल सी. एंगल सी, ओके, सुनो. सबसे पहले हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं. गिवन एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3. ये भी हमारा गिवन पोर्शन था और हमसे पूछा जा रहा है एंगल सी का वैल्यू. टू फाइंड एंगल सी, एंगल सी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है. नाउ यहां पे आप अब ये समझिए दैट ये एंगल पी ओ वाई था ना, इस एंगल का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है. ओके, नाउ अब एक्स वाई लाइन को देखिए. ये एक्स वाई लाइन है ना, सो एक्स वाई लाइन के ऊपर व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एन एंगल? ये एंगल को देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल है ना, बिकॉज दिस इज द टोटल एंगल दैट इज फॉर्म्ड ओवर अ लाइन. सो इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ इस हाफ पोर्शन को देखिए. जैसे ये एंगल पी ओ वाई अगर 90 डिग्री के इक्वल हो चुका है तो इसका जो दूसरा हाफ पोर्शन होगा दैट इज एंगल पी ओ एक्स. ये आपका एंगल पी ओ एक्स है, ये पूरा पोर्शन. सो ये एंगल पी ओ एक्स का भी वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, बिकॉज अगर पूरे एंगल का वैल्यू 180 है और इसका एक हाफ पोर्शन दैट इज एंगल पी ओ वाई का वैल्यू अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो उसके दूसरे हाफ पोर्शन का भी वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा. अगर वो दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे तभी तो दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. सो इट मीन्स एंगल पी ओ एक्स जो है दैट इज दिस एंगल, एंगल पी ओ एक्स का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, और एंगल पी ओ एक्स को देखिए, ये एंगल पी ओ एक्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है आपका एंगल ए और दूसरा पार्ट है आपका एंगल बी. सो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये चीज आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा. सो आप यहां क्या लिखोगे? दैट सिंस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये हमें कंक्लूजन पे पहुंचा. ओके, नाउ यहां पे देखिए, अब एंगल ए और बी के बीच का एक रेशियो गिवन था. सो मैं यहां क्या करूंगा, यहां पे एंगल ए को एक वेरिएबल कंसिडर करूंगा. ओके, सो लेट एंगल ए बी 2x एंड बी एंगल बी बी 3x. लाइक किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी रेशियो गिवन होता है ना तो हम इसी तरह से उसे सॉल्व करते हैं एक वेरिएबल के टर्म्स में. ओके, So, यहां पे अगर एंगल ए का वैल्यू 2x है और एंगल बी का वैल्यू 3x है तो ये इसे आप इक्वेशन वन मानो. तो मैं क्या करूंगा, आप इक्वेशन वन में ए और बी का वैल्यू पुट करूंगा. सो देयरफॉर 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहां पे आप अब भी समझ चुके होंगे दैट मैंने वेरिएबल क्यों कंसिडर किया. लाइक वेरिएबल कंसिडर करने की वजह से इसे आप एक सिंपल इक्वेशन की तरह देख सकते हैं. तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा. सो आप ए का भी वैल्यू पता कर सकते हो और आप बी का वैल्यू पता कर सकते हो. ओके, बट हमें तो यहां पे एंगल सी का वैल्यू पता करना है. ओके, बट इसमें हमें एंगल बी का यूज करना पड़ेगा. एंगल बी का क्या करना पड़ेगा? एंगल बी का यूज करना पड़ेगा. नाउ अभी देखिए, यहां पे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इक्वल टू 90 डिग्री. सो x का वैल्यू कितना होगा? x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 5. ओके, सो आप जब इसे कैंसिल करोगे सो द वैल्यू विल कम आउट टू बी, ओके, 5 × 5 = 18 डिग्री. ओके, x का वैल्यू कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 18 डिग्री. सो एंगल a का वैल्यू कितना होगा? 2x था ना, सो 2 × 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री. और एंगल बी क्या माना था हम लोगों ने? 3x, सो 3 इंटू
18 degree, that is equal to 54 degree. Okay, so angle B का वैल्यू कितना आया? That is equal to 54 degree. Now, यहाँ पे देखिए angle B का वैल्यू कितना था? 54 degree. अभी देखिए हम angle B का use करके angle C को कैसे find करते हैं? Now, अभी आप MN line को ध्यान से देखिए, ये पूरे line, MN line को ध्यान से देखिए, ये जो MN line है, इसके ऊपर ये वाला जो angle होगा, that will be equal to 180 degree, that is a straight angle. So it means that angle B plus angle C will be equal to 180 degree. और इसे आप एक linear pair भी की तरह देख सकते हो, that एक ये linear pair भी form कर रहा है. So अगर मेरे पास दो linear pair angles हैं, so always उन दोनों angles का जो sum होता है, that is always equal to 180 degree. So हम यहाँ mention कर देते हैं that angle B plus angle C is equal to 180 degree. या आप इसे linear pair भी लिख सकते हो. Linear pair. So angle B का वैल्यू कितना है? That is equal to 54 degree plus C is equal to 180 degree. So angle C is equal to 180 minus 54 degree. So आप जब इसे subtract करोगे 6 7 126. Okay. So angle C का वैल्यू कितना है? That is equal to 126 degree. और यही तो हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में. Okay. So understood. Okay, so that's all for today's class. So in the next class, we will be solving some more questions of the chapter Lines and Angles. So thank you very much.